लेकिन हम जैसे लोग जो सब कुछ सह रहे हैं यूनिवर्सिटी में रह के, और हमने अपने प्रोफेसर्स को देखा, क्योंकि हम इन लोगों से सीख के, आई थिंक मेरे मुंह में तो जुबान और मुझे तो बोलना पढ़ाना और पढ़ना भी मैंने प्रोफेसर रतनलाल को देख के ही किया है। और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज आप लोग यहाँ कवर कर रहे हो, आप लोगों के बच्चे कल उस यूनिवर्सिटी में आएंगे जिसमें हमारा ये हाल हुआ है। जब मुझे कपड़ों पे टिप्पणियाँ करनी, पहनावा कैसा है पढ़ाने पे टिप्पणियाँ करनी, तुम बच्चों जैसी दिखती हो, तुम टीचर जैसी नहीं दिखती, इस चीज़ पे टिप्पणियाँ करनी, और मेरे बच्चों को जब स्टाफ रूम के बाहर एक दलित महिला टीचर प्रोफेसर अगर पढ़ा रही है, तो स्टाफ रूम के बाहर अगर बच्चे आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं रितु मैडम कहाँ है। ये मैं आपको सत्य बता रही हूँ, ऐसा शायद किसी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं होता होगा। तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में ये गंदगी होती है। तो जो टीचर्स हैं एक माइंडसेट की, एक क्लास की, और खासकर प्रिंसिपल, वो ये कोशिश करती हैं कि ये कल की आई लड़की और ये दलित समाज से लड़की, और इसके मुंह में जुबान, और बच्चों के बीच में इतनी पॉपुलैरिटी इस टीचर की, किस तरीके से इसके बच्चों को बताया जाए कि ये जो मैडम की तुम बहुत पॉपुलैरिटी समझ रहे हो, ये मैडम किस जाति से आती है, ये तुम्हें पता चलना चाहिए। ताकि जो बच्चों का सोच है, जो 2014 के बाद से खासकर आपने जो आरक्षण के प्रति नफरत देखी है, और दलित आदिवासी और पिछड़ा समाज के प्रति नफरत देखी है कि हम लोगों के अंदर मेरिट तो है नहीं, हम लोग सिर्फ आरक्षण की वजह से आते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ फिट इन हो जाए कि इन लोगों को कुछ आता है नहीं है और ये तो इस कैटेगरी से है। ये मेरी प्रिंसिपल ने मेरे सामने एक बार नहीं, बहुत सारे इंसिडेंसेस में मेरे बच्चों को, मेरे बाकी क्लीग्स को, मेरे कलीग्स से मुझे ये मैसेज पहुंचाना कि आवाज़ बंद कर लो वरना बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। जब मुझे इन सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप सोचिए कि एक प्रिंसिपल, मैं तो आज कहूँगी कि ये गुंडाई व्यवहार की ऐसी महिलाएं क्रिमिनल, खैर इनका तो बहुत पहले ही बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन जब उनको लगा कि इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ड्यूरिंग कोविड, जितने भी प्रोफेसर्स मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको ये चीज़ बता दूँ कि कोविड के दौरान आप सबको पता है कि MHRD की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी, सेटल लॉ जिसे हम कहते हैं, कि यू कैन नॉट रिप्लेस और रिमूव एड हॉक विद अनदर एड हॉक। उस टाइम पे मुझे रिप्लेस किया गया, रिमूव किया गया, और मेरी पोस्ट को एडवर्टाइज करके इंटरव्यू रखा गया। तो मैंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट का जब सहारा लिया, तो कोर्ट में आप सबको पता है कि एक फर्जी जो चिट्ठी लगाई गई, उस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि अब निकाल तो दिया, अब कोर्ट तो नहीं सुनेगा ना आपकी बात कि आपने किस चीज़ में निकाला, विदाउट मेमो, विदाउट शो कॉज नोटिस, विदाउट कंप्लेंट्स। तो वो जो एक झूठी चिट्ठी लगाई और झूठे 35 बच्चों के सिग्नेचर्स, जब हम कोर्ट में भी जो हमारा मैटर चला, जब सर्विस मैटर से जब वो दस्तावेज पकड़े गए तो वो क्रिमिनल मैटर बना, वो स्टोरी सब आपको पता है। जब क्रिमिनल मैटर बना तो SC ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज हुई। आज ये स्थिति है कि SC ST एक्ट के अंदर FIR तो हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय का 100 साल का इतिहास हो चुका है, पहले प्रिंसिपल पे FIR हुई है। और मेरे केस में साथियों ये जानना जरूरी है, देयर इज ऑल्सो ए बिग फिश इन द पॉन्ड, दैट इज रजिस्ट्रार, सेम FIR रजिस्ट्रार पे भी है, क्योंकि दोनों ने मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेज बना के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी SC कमीशन, वहाँ पे भी यूज़ किए। तो स्थिति ये है कि अगर आवाज़ बंद करनी है तो किसी भी हद तक ये जाएंगे। तो मेरी आवाज़ बंद करने के लिए वो दस्तावेज इस्तेमाल किए और वो सारे पकड़े गए, और आपको मैं शेयर कर दूंगी ऐसी धाराओं में उनके ऊपर दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह पुलिस ने खुद चार्जशीट जमा कर दी SC ST एक्ट के अंदर उस प्रिंसिपल पे, जिन धाराओं में किसी को 2 साल की सजा है, किसी धारा में 7 साल की सजा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये कि ये जाति कभी नहीं जाती, और ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आज भी सिर्फ कि वो उस संघ से है जो आज राज कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी विचारधारा आज राज कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, इसीलिए एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये आपको बताना क्यों ज़रूरी है, ठीक वहाँ पे प्रोफेसर रतनलाल बैठे हैं, मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ, क्या आपने कभी उनकी पब्लिकेशंस देखी हैं, कि आपने नंबर ऑफ बुक्स जो उन्होंने पब्लिश किए हैं देखी हैं? ठीक ऐसे ही डॉक्टर सविता रॉय, जो कि अपने आप को BJP और संघ की बताती हैं, वो भी प्रोफेसर हैं और ये भी प्रोफेसर हैं। मेरे को धरने पे क्यों बैठना पड़ा साथियों, आज 116 दिन हो गए, बार बार बता दूं, सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर, सविता रॉय और ये रतनलाल प्रोफेसर, जब इन पे एक फर्जी मुद्दे पे FIR की जाती है, और वो पूरे षड्यंत्र के तहत फर्जी मुद्दे पे FIR की जाती है, और जब ये प्रमोशन के लिए जाते हैं, और वही यूनिवर्सिटी वही कॉलेज इनको कहता है कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर FIR है। FIR कोर्ट में मैं भी थी जब इनका केस चल रहा था, जज भी हंस रहा था, लोग सुन के कि ये कोई मुद्दा है जिस पे FIR है, और इनका प्रमोशन रोका, और इनको बाहर जाने के लिए, फॉरेन में जाना था अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए, बाहर रोका। और उसी कॉलेज की दूसरी प्रोफेसर क्रिमिनल सविता रॉय, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल,
उसको ऊपर SC ST स्पेशल एक्ट जो उसमें चार्जशीट है, लेकिन वो अभी भी कार्यरत है, अभी भी पेन पक्ष उस कुर्सी पे बैठ के सब ले रही है, और ये हाल। और तीसरी कड़ी में आते हैं हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हो उनकी, उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताकर, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा कर दूंगी इस चीज़ को। ये वही है कि जिसके मुंह में जुबान है उसके साथ यही किया जाएगा, और यही हो रहा है यूनिवर्सिटी में। शायद हम लोग सामने आए हैं, लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए, और आज आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज इसलिए है कि कब तक आखिर कब तक ये हेजमनी, ये चीज, ये पितृसत्ता, ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग एक विचारधारा के लोगों को, मूर्खों की जमात को इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी में रखेंगे, और जिनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको गिनती से बाहर किया जाएगा। और असली टारगेट विचारधारा तो है ही, कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा वो किसी भी समाज का है, वो डेफिनेटली निशाने पे है, लेकिन सबसे बड़ा अगर निशाना है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज है, ये आप याद रखिएगा। और यही चीज जो लक्ष्मण यादव के साथ हुई, 14 साल की पढ़ाई 14 मिनट में डिसाइड किया गया। और अगर मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि किसी को अगर ये गलत फहमी है कि उनको तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से निकाल दिया ना, कि एक इंटरव्यू किया और लक्ष्मण यादव जी को निकाल दिया, और ये तथ्य और ये दे दिया, और ये क्रिमिनल्स क्या कहते हैं, अजी हमने तो एक OBC को हटा के OBC ही रखा ना, हमने डॉक्टर रितु की जगह एक SC को हटा के SC ही रखा ना। नो, ये सत्य नहीं है, ये क्रिमिनल माइंडसेट है, ये क्रिमिनल केस है, कोई मॉरल ग्राउंड्स भी होते किसी चीज़ की, ये इसके ऊपर अगर आप कार्रवाई करोगे तो अंदर से बहुत चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और हम उसके लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है ये लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी, और अभी हाल ही में हमारे बीच में जब सांसद साहब मनोज झा जी हमारे प्रोटेस्ट पे आए थे कुछ 4 दिन पहले, तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छे तरीके से कही थी कि अब भूल जाओ कि संसद से न्याय मिलेगा, कि संसद तुम लोगों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि वो आवारा हो चुकी है। तो तुम्हें लड़ाई अगर लड़नी है तो रोड सड़क इज ओनली ऑप्शन, तो आप सब भी तैयारी कर लीजिए, हमने अपनी कमर बांधी है। मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई की बारी आ चुकी है, कि अब वो वक्त आ चुका है कि संसद अगर आवारा है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। मेरे साथी लक्ष्मण से मैं कहूँगी, और प्रोफेसर रतनलाल सर भी बैठे हैं, मनोज झा जी हैं, सबको मैं कहूँगी कि हम तैयार हैं, 116 दिन से लड़ाई लड़ रही हूँ, ये 3 digits है, ट्रिपल डिजिट, अगर ये 4 में भी बदल जाए तो भी एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगी, इसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ूंगी जब तक ये क्रिमिनल्स अपने सही घर नहीं पहुंच जाए, जो कि सलाखों के पीछे है। प्रिंसिपल जो चार्जशीटेड है उसे बचाया जा रहा है हर तरीके से, और मेरी कलीग, मेरी सीनियर माया जी ने भी बता दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पढ़ाना है। इवन मेरे केस में और प्रोफेसर रतनलाल के केस में तो शायद ये ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो दलित समाज से आते हैं, क्या पहनना है ये भी सर मुझे लगता है वही डिसाइड करेंगे क्या पहनना है, तो हर चीज़, खैर वो तो हमारा कोर्ट का मसला है, लेकिन मेरे केस की अगर बात करो आप, तो अभी स्थिति ये है कि जब से मेरा धरना चल रहा है तब से 3 बारी मेरे जज साहब चेंज हो चुके हैं, और वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वही मिलती है, और तारीख पे कल भी मेरी कोर्ट में हेयरिंग थी और तारीख पे तारीख ही है। आज ये सिलसिला है कि जब आप बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाते हो, जब आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हो पूरी शिद्दत के साथ, आप हर एक चीज़ उनको सिखाते हो कि आपका विजन कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना है और क्या विचारधारा है, तो आपको ये सज़ा मिलती है कि आपको निकालने के लिए पहले तो पूरा तंत्र किया जाएगा।